हेलो फ्रेंड्स, तो लेकर आऊँ काफ़ी कमाल का टेक डेली के एक और एपिसोड में। मैं किस कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को। और आज के इस टेक न्यूज पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों ओप्पो के ओप्पो रेनो फोन्स की, जिसकी खबर बहुत सारी तस्वीरें वगैरह लीक हुई थी दोस्तों, जिसका फाइनली डेट और तारीख मतलब तय हो गया है। फाइनली मतलब कि आ गया है रिपोर्ट्स वगैरह कब लॉन्च होगा, इसके विषय में ही बात करेंगे दोस्तों। और एक और जो फ़ोन है ओप्पो की के सीरीज़ वाले फ़ोन्स, उसके बारे में बात करेंगे। ओप्पो के सीरीज़ की फ़ोन तस्वीरें वगैरह लीक हुई थी, उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले दोस्तों एक कैमरा के बारे में, जो कि चीन की कंपनी है, जो कि 45 किलोमीटर तक की फ़ोटो खींचता है, उसके विषय में बात करेंगे। और हाँ, रेडमी दोस्तों तैयारी कर रही है, स्वामी कंपनी जो कि सब ब्रांड रेडमी है, वो मतलब तैयारी कर रही है दो ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के लिए खुद के मार्केट में, उसके विषय में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है आज का काफ़ी न्यूज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंस और काफ़ी मतलब कि बहुत ही अच्छा टेक न्यूज़ मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने, तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल दिल के बटन सब्सक्राइब को जरूर दबा दें दोस्तों, और साथ ही बगल वाले घंटा यानी बेल को भी दबा देना, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन का वीडियो आपको हर रोज तरह मिलता रहेगा दोस्तों। और हाँ भाई, के लिए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना यार, लाइक शेयर करते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए सब कुछ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो अपडेट निकल के आता है दोस्तों, ओप्पो रेनो की तरफ से खबर आ रही है दोस्तों कि ओप्पो रेनो के बारे में बताने वाला हूँ कि ओप्पो रेनो कब यानी भारत में मतलब लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओप्पो रेनो यूरोप और चाइना में मतलब कि बहुत दिन पहले लॉन्च किया जा चुका है दोस्तों। और हाँ, एक और चीज़ है कि ओप्पो रेनो के जो बहुत सारे लीक्स वगैरह, बहुत सारे फैंस इंतज़ार कर रहे थे ओप्पो के फ़ोन्स वगैरह लेने के लिए, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानते होंगे, मतलब क्या क्या फीचर्स है। तो ओप्पो रेनो मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में ये फ़ोन्स आ रहा है दोस्तों। और भारत में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो फ़ोन्स आने वाला है 28 मई को ये मतलब लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों भारत में, बिल्कुल 28 मई को मतलब बिल्कुल लॉन्च कर दिया जाएगा आपके सामने भारत में दोस्तों। और इसके जो फीचर्स वगैरह जो है, पॉपअप सेल्फी तो है ही दोस्तों, और साथ ही ये फ़ोन जो है मतलब काफ़ी कमाल होने वाला है। कमाल क्या है कि ये जो फ़ोन है मतलब कि कलर्स वाइज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है ओप्पो रेनो। और ओप्पो रेनो की जो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ओप्पो रेनो दो वेरिएंट में लॉन्च, एक तो मतलब कि स्टैंडर्ड वर्जन में, दूसरा जो है कि प्रीमियर वर्जन में। ओप्पो जो कि ओप्पो रेनो जो कि स्टैंडर्ड वर्जन की, अगर हम रैम वगैरह की बात करते हैं दोस्तों, तो रैम 6GB और 8GB प्लस, आप जानते हो कि 6GB के साथ में 128GB और 8GB के साथ में 256GB स्टोरेज आएंगे दोस्तों। साथ ही साथ प्रीमियर वगैरह की बात करते हैं तो उसका भी सेम ही है, मतलब कि रैम वगैरह जो 6GB 8GB और 128 और 256GB। अब हम बात करते हैं इसकी कैमरे वगैरह की, तो कैमरा दोस्तों इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 48 मेगापिक्सल कैमरा प्लस ड्यूल 48 मेगापिक्सल्स का सेटअप कैमरा है, जिसका 48 प्लस 8 मेगापिक्सल्स कैमरा होने वाला है दोस्तों, और पॉपअप सेल्फी कैमरा है दोस्तों। ओप्पो रेनो मतलब कि इसमें 10x जूम, जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया था कि ओप्पो रेनो जो है जो कि 10x जूम को सपोर्ट करता है, ये फ़ोन मतलब कि काफ़ी बढ़िया है। और जो स्टैंडर्ड वर्जन का जो वर्जन आता है दोस्तों कि 3765 mAh की बैटरी के साथ में आता है, और साथ ही साथ प्रीमियर वर्जन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 4065 mAh की बैटरी के साथ में आता है। लगभग अगर हम इसकी प्राइस वगैरह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो फ़ोन है मतलब 30,900 लगभग में, मतलब तो कि 9x पे, जो कि 9x मोबाइल है वहाँ पे मतलब पोस्ट वगैरह किया गया, तो एक्सपेक्टेस में 30,900 रुपये में ये फ़ोन भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है इस प्राइस में दोस्तों। आपकी क्या है राय, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और है कि ओप्पो रेनो जो है कि मतलब यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करता है, जो कि 10x जूम है, और सबसे बड़ी बात कि टाइप सी को सपोर्ट करता है, यूएसबी टाइप सी को सपोर्ट करता है, और ये फ़ोन्स भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आपकी दो इंतज़ार की घड़ी थी वो मतलब ख़त्म होने वाली है, तो चलते मैंने अगले तो देखते हैं क्या निकल के आता है दोस्तों। एक ओप्पो के सीरीज़ की फ़ोन जो कि K1 ऑलरेडी लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसके बाद K1 के ही जैसा है, मतलब एक और तस्वीरें माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वीवो पर लीक हुई दोस्तों। K3 यानी ओप्पो K3 फ़ोन जो कि पॉपअप सेल्फी कैमराज वगैरह हो सकते हैं दोस्तों, 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले के साथ में फ़ोन आने वाला है दोस्तों। और ये जो फ़ोन है, ये 8GB रैम के साथ में, 8GB रैम और
128 GB डिवाइस स्टोरेज के साथ में ये फोन आने वाला है दोस्तों, और 3680 mAh की बैटरी हो सकता है दोस्तों, जिसका तस्वीरें माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे वीवो पे लीक हुई है दोस्तों। ये चीनी कंपनी जो है कि मतलब कि बहुत ही जल्दी जल्दी फोन्स लॉन्च करती जा रही है दोस्तों, और फोन्स काफ़ी कमाल होने वाले हैं। ओप्पो की तरफ से तो यार फोन कैमरा यानी कि कैमरा फोन ही कहलाता है यार, यू नो ऑलरेडी, सो बेस्ट फोन है, और देखते हैं क्या क्या होता है आगे चल के। कमाल कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। फिलहाल इतना ही, चलते प्ले कलर देखते क्या निकल के। अगला जो निकल के आता है दोस्तों, वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही दिल थाम के बैठते हैं कि हमें रेडमी वगैरह फ़ोन्स की इंतज़ार होती है दोस्तों, कि रेडमी जो कि स्वामी कंपनी सब ब्रांड है, मतलब बहुत ही कमाल कमाल के फ़ोन्स लेकर आती जा रही है दोस्तों। तो फिर से एक बार खबर आ रही है दोस्तों कि मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार कि चीनी जो कंपनी है मतलब कि स्वामी की सब ब्रांड रेडमी, वो दो ऐसे स्मार्टफोन्स लेकर आने वाली है दोस्तों, जिसका नाम हो सकता है फ्लैगशिप फोन। और ये फ़ोन की क्वालिटी वगैरह दो वेरिएंट भी लॉन्च हो सकते हैं, 6 GB के रैम के साथ में, और एक तो 8 GB रैम के साथ में दोस्तों। मतलब ये फ़ोन जो होने वाले काफ़ी कमाल के होने वाले, क्योंकि ये फ़ोन मतलब रेड ब्लू कार्बन फाइबर के रूप में मतलब लॉन्च होंगे, और ये फ़ोन्स होने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा वगैरह होगा दोस्तों। और कहा जा रहा है कि हो सकता है मई या तो जून में डेफिनेटली दोस्तों कि ये दोनों फ़ोन रेडमी की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं चीन में दोस्तों। भारत में कब आएंगे इसके बारे में कोई विषय में अभी मतलब जानकारी वगैरह नहीं है, फिलहाल इतना ही है कि मतलब कि ये जल्द ही चीनी मार्केट में दो फोन्स लॉन्च हो ही जाएंगे, जिसका नाम फ्लैगशिप हो सकता है दोस्तों। और ये फोन्स देखते हैं क्या कमाल दिखाएगा, रेडमी के लिए तो हर रोज इंतजार करते रहते हैं दोस्तों। तो चलते हैं देखते हैं क्या निकल के आता है। जो निकल के आता है, 45 किलोमीटर तक की फोटो खींचने वाला कैमरा को सक्षम कर लिया है चीन के शोधकर्ताओं ने, नई टेक्नोलॉजी के साथ में मतलब नई टेक्नोलॉजी के लिए मतलब कि शोध कर लिया है। और ये जो कैमरा होने वाला है 45 किलोमीटर यानी कि 28 मील लगभग 45 किलोमीटर तक की फ़ोटोज़ को बहुत ही इजीली आपके सामने खींचकर दिखा देगा दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हवा तूफ़ान या जो भी वगैरह जो मतलब कि होता है, तो होता है क्या कि मतलब पता नहीं चल पाता, या कोई भी ऐसा इंस्टेंट होने वाला चीज़ हो, या मतलब फ़ोटो वगैरह खींचने की ज़रूरत पड़ते हैं हमें आकाश वगैरह में, जैसे कि फॉक्स वगैरह में, तो बड़ी चीज़ को देखने के लिए यानी कि 45 किलोमीटर यानी कि 28 मील की दूरी को फोटोज़ मतलब कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में यानी कि लाइट डिटेक्शन रेंज के साथ मतलब उसमें दिया है फंक्शन, जिसकी तरह से मतलब वो फ़ोटो खींच लेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब चीन के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का मतलब अध्ययन कर लिया है और खोज लिया है, ये सामने मतलब कि बहुत ही जल्द हमारे सामने आ ही जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आपको मई तो चल ही रहा है, जून में ये कैमरा हमें देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ऐसा मानना है, और मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार ज़रूर ही मिलेगा दोस्तों। और आपकी क्या है राय कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, कि ये कैमरा मतलब क्या होने वाला है, क्या कमाल दिखाएगा, ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट करके। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो नीचे लाल रंग बटन सब्सक्राइब को जरूर दबा दें दोस्तों, और साथ ही बगल वाले घंटा यानी बेल को भी दबा देना, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो आपको हर तरह मिलता रहे दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए सब कुछ होता है। इसी के साथ विराम चाहते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।